नमस्कार, एनडीसी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अर्चना कौशल। एनडीसी न्यूज हर बार आपके लिए लेकर आता है कुछ खास और स्पेशल स्टोरीज। तो दोस्तों, देखना ये रहेगा कि आज एनडीसी न्यूज में आपके लिए क्या है खास। चीन के डोंगयांग प्रांत में इन दिनों एक अलग ही गंध महसूस की जा सकती है। बाहरी लोगों के लिए ये भले ही दुर्गंध हो, लेकिन स्थानीय लोग इन दिनों यहाँ कुंवारे लड़कों की पेशाब में अंडों को उबालकर बड़े चाव से खा रहे हैं। चीन के डोंगयांग में हर साल इस मौसम में यहाँ इसी तरह वर्जिन अंडों को खाने का रिवाज है। कुंवारे लड़कों की पेशाब में उबालकर अंडों का पकाया जाता है, इसलिए इन अंडों को वर्जिन अंडे कहा जाता है। चीन के इस प्रांत में सैकड़ों सालों से यहाँ इस तरह अंडे खाए जाते हैं। वर्जिन अंडों को तैयार करने के लिए सबसे पहले अंडों को वर्जिन लड़कों की पेशाब में उबाला जाता है। इसके बाद अंडों की छिलके निकालकर उन्हें फिर खोलते पेशाब में डालकर उबाला जाता है, ताकि अंडों में पेशाब का फ्लेवर आ सके। अंडे उबालने के लिए वर्जिन लड़कों की पेशाब स्कूलों से एकत्रित की जाती है। यहाँ इस मौसम में स्कूलों के बाहर बाल्टी रख दी जाती है और छात्रों को इसमें पेशाब करने के लिए कहा जाता है। वर्जिन अंडे खाने को लेकर यहाँ लोगों के अलग अलग विचार है। एक स्थानीय महिला के अनुसार इन अंडों का टेस्ट बहुत अच्छा होता है कि वे दिन भर में 6 अंडे खा जाती है। वहीं एक अन्य व्यक्ति का कहना है कि मैं इन्हें बिल्कुल भी नहीं खा सकता, क्योंकि ये काफी घिनौने होते हैं, इनसे काफी दुर्गंध आती है। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि वर्जिन अंडे में औषधीय क्षमता बढ़ जाती है। हालांकि मेडिकल अस्पतालों के डॉक्टर इसकी पुष्टि नहीं करते हैं।